प्रयागराज मंडल के 20 रेलवे स्टेशनों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। 24 घंटे मौजूद रहेंगे कर्मी, यात्रियों को उपलब्ध कराएंगे जानकारी। निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के पूछताछ केंद्र। ट्रेन कितनी विलंबित है, किस रूट पर कौन सी ट्रेन जाएगी, ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी जैसी जानकारियां अब रेलवे कर्मी नहीं बल्कि निजी कंपनियों के कर्मचारी बताएंगे। रेलवे स्टेशन पर बने पूछताछ केंद्र पर अब निजी कर्मचारी यात्रियों के सवालों का जवाब देंगे। यह सुविधा रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगी। पूछताछ केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को विशेष ड्रेस कोड भी होगा जो मेट्रो स्टेशनों की तर्ज पर रखा जाएगा। निजीकरण की दिशा में यह रेलवे का एक और कदम माना जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में इसकी शुरुआत हो गई है। यहां के 20 रेलवे स्टेशनों के पूछताछ केंद्र निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके टेंडर का विज्ञापन भी जारी हो गया है। इसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, चुनार, विंध्याचल, प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, माणिकपुर, फतेहपुर, फफुंद, कानपुर सेंट्रल, पनकी, गोविंदपुरी, टुंडला, अलीगढ़ एवं खुर्जा शामिल हैं। चरणबद्ध तरीके से अन्य स्टेशन भी इसमें जोड़े गए हैं। 3 वर्ष के लिए निजी कंपनी का इनका संचालन करेगी। 7,01,55,849 रुपए का टेंडर है। खान पान से लेकर प्रतीक्षालय तक निजी क्षेत्र को मिले। बीते कुछ वर्षों पर नजर डालें तो रेलवे ने खान पान सुविधा, सफाई, साफ सफाई के लिए आउटसोर्सिंग, साधारण टिकट बेचने के लिए ATVM, पेड यात्री प्रतीक्षालय आदि के माध्यम का निजीकरण कर दिया है। इंटरनेट मीडिया जैसे एक्स आदि से शिकायत सुनने व जवाब देने, 139 हेल्पलाइन नंबर का कार्य भी कंपनियों के ऑपरेटर भी संभाल रहे हैं।